हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग केयर। दोस्तों, प्रेगनेंसी के टाइम आपके बॉडी में कई तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इन चेंजेस में से एक चेंज है इस टाइम आपका वेट बढ़ना, आपका वेट गेन होना। प्रेगनेंसी में वेट बढ़ना नॉर्मल बात है, रीजन बेबी का बॉम में होना है। आपका वेट गेन होना एक तरह से एक सिम्टम भी होता है कि बेबी का ग्रोथ, बेबी का डेवलपमेंट सही हो रहा है। बट पूरे प्रेगनेंसी के टाइम कितना वेट गेन होना अच्छा होता है, कितना अच्छा माना जाता है या कितना वेट गेन होना नॉर्मल होता है, इसे हम आज की वीडियो में जानेंगे। आज हम जानेंगे कि पूरे प्रेगनेंसी के टाइम मंथली कितना आपका वेट गेन होता है। सो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मंथली आप कितना वेट गेन करते हैं और ड्यूरिंग होल प्रेगनेंसी आपका टोटल कितना वेट गेन होता है, इसे हम इस वेट गेन चार्ट से जानेंगे। प्रेगनेंसी के शुरू के 3 मंथ्स के 10 to 12 वीक तक आपका कोई भी वेट गेन नहीं होता है। सो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका वेट गेन नहीं हो रहा है तो आपको वरी होने की नीड नहीं है, बट 3 मंथ्स के बाद आपका वेट जरूर गेन होना चाहिए। अब बात आती है प्रेगनेंसी के 4th मंथ की। जब आप 4th मंथ में होते हैं, 4th मंथ कंप्लीट करने वाले होते हैं, तो इस समय आपका वेट 1.5 kg के अराउंड बढ़ता है, मीन्स 1.5 किलो के अराउंड बढ़ता है। प्रेगनेंसी के 5th मंथ में आपका वेट 2.5 kg, मीन्स 2.5 किलो के अराउंड बढ़ता है। और 6 to 7 मंथ की प्रेगनेंसी में आपका वेट 4.5 kg, मीन्स 4.5 किलो के अराउंड बढ़ता है। 8 मंथ की प्रेगनेंसी में आपका वेट 2.5 से 3 kg तक बढ़ता है, मीन्स 2.5 से 3 किलो तक इस समय आपका वेट गेन होता है। अब बात आती है प्रेगनेंसी के सबसे लास्ट मंथ की, मीन्स 9 मंथ की। और जैसा कि हम जानते हैं कि 9 मंथ में 36 to 40 वीक्स होते हैं। लास्ट के वीक में आपका कोई भी वेट गेन नहीं होता, शुरू के वीक में आप 1 kg के अराउंड वेट गेन करते हैं। अब अगर हम टोटल वेट गेन की बात करें तो पूरे प्रेगनेंसी के टाइम आपका वेट 12 टू 14 केजी के बीच बढ़ता है। अगर आपको ट्विंस है तो आपका वेट 18 केजी तक इंक्रीज हो सकता है। प्रेगनेंसी में इस वेट गेन होने की वजह प्लेसेंटा का खुद का वेट होता है, एमनियोटिक फ्लूड जिसे पानी की थैली कहते हैं उसका भी खुद का वेट होता है, यूट्रस का वेट होता है और खुद फिटल मिस बॉम में पल रहे बच्चे का वेट होता है। इन सब की वजह से आप इतना वेट गेन करते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम अगर आपका वेट बहुत ही कम है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप वेट गेन नहीं कर रहे हैं, तो आपको कई तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं। लाइक बच्चा 36 वीक के पहले बॉर्न हो सकता है, बच्चा प्री मिच्योर हो सकता है और प्री मिच्योर होने की वजह से बच्चे का वेट भी कम हो सकता है। कम वेट होने की वजह से हो सकता है कि आप बच्चे को नॉर्मल बर्थ ना दे पाए, आपकी डिलीवरी सिजेरियन हो। मिसकैरेज जैसी प्रॉब्लम को भी आपको फेस करना पड़ सकता है। ऐसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आप अच्छा डाइट ले, कैल्शियम रिच आयरन रिच डाइट ले। आप पर्ल्स, मिल्क, वेजिटेबल, एक दिन में 2 तरह के फ्रूट्स को और ड्राई फ्रूट्स को अपने डेली के डाइट में जरूर इंक्लूड करें। आप एक दिन में 3 प्रॉपर मील्स और 2 स्नैक्स जरूर ले। इवन आप हर 2.5 से 3 घंटे के डिफरेंस पर कुछ न कुछ खाते रहें। प्रेगनेंसी के डेली डाइट प्लान को अगर आप जानना चाहते हैं तो इसकी सेपरेट वीडियो आपको ऊपर आई आइकन पर मिल जाएगी, वहां जाकर आप देख सकते हैं। अच्छा डाइट लेने के साथ साथ नेक्स्ट काम जो आपको करना है वो है स्ट्रेस या टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से आप पर इफेक्ट करती है। स्ट्रेस से आपको भूख कम लगेगी या हो सकता है आपको भूख लगे ही ना, जिससे आपके वेट गेन पर भी इफेक्ट पड़ेगा, बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा। सो ड्यूरिंग होल प्रेगनेंसी हेल्दी डिलीवरी के लिए, हेल्दी बेबी के लिए, किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए जितना हो सके आप उतना खुश रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। पेरेंटिंग केयर पे अगर आपने नया विजिट किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।